अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं बना रही हूँ करेले, और मैंने पहला पार्ट जो है ये करेले बने मेरे भरे हुए करेले, बेसन के भरे हुए। तो ये पहला पार्ट में आपको ये सारी वैरायटी पता चल जाएगी, और दूसरा पार्ट भी आपने लाजमी देखना। दूसरे पार्ट में हम इनको बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। ये हमने प्याज डाल दिया, धो कर हमने प्याज जो है रख लिया था, अंडे वाला प्याज काटना बारीक बारीक। तो ये अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई कर रहे हैं, इसको हमने हल्का पिंक पिंक फ्राई करना है। देख सकते हैं हल्का पिंक पिंक हो गया। तो अब ये हमने लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मिक्स ही बना लिया था, अब हम ये डालेंगे। ये 1.5 चम्मच हमने डालना है। अब इसको भी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर फिर फ्राई करना है थोड़ी देर, फिर हमने नमक मिर्च डालना है। बहुत मज़े के बनेंगे, और हमारे तरीके से बनाए इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी ये डिश है और न्यू है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया, वो भी भून चुका है, अच्छी तरह बनाई होगी। अब हमने ये टमाटर डालने हैं। मसाला ये जो है, मतलब हमारे 1 किलो करेले हैं, तो आप अपने हिसाब से मसाला जो है बढ़ा भी सकते हैं और मसाला थोड़ा भी रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी फैमिली को देख कर हमने चीज़ बढ़ानी होती है। देख सकते हैं हमने टमाटर इसमें डाल के इसको मिक्स कर दिया। अब जो हम इसको 2-3 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे, जो टमाटर है वो हमारे अच्छी तरह नरम हो जाए, और फिर हम इसमें नमक मिर्च डालेंगे। भी टमाटर हमारे गल चुके होंगे, फिर इसका जो मसाला है वो बहुत अच्छा बनता है। चलो ये देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो हमारे नरम पड़ चुके हैं, तो अब हम इसमें जो है नमक मिर्च डालते हैं। इतना अच्छा हमारा मसाला तैयार हो चुका। ये देख सकते हैं जो प्याज टमाटर हमारे जो टमाटर थे वो हमने गलने के लिए ढक्कन दे दिए, तो वो गल चुके हैं और बड़ा अच्छा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हम नमक मिर्च डालते हैं। ये हमने हाथ से कूटी हुई मिर्चें, घर की कूटी हुई हैं, तो ये हम जो 1 चम्मच डालेंगे। और 1/2 चम्मच जो है हम हल्दी डालेंगे। नमक जो है हमने मिर्चों में डाल दिया था, जब हम मिर्चें कूटने लगे उस टाइम डाल दिया था। और इसमें जी हमने दही भी डालनी है इसी मसाले में, ये आधी हम जो है ना दही भी डाल देंगे। ये अब जो मसाला हम अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेते हैं, भुनाई करके मसाला हम तैयार करके तो फिर हम इसमें करेले डाल देंगे। हमने जीरा लिया है, ये हमने असल में खाली जीरा नहीं था, गरम मसाले से निकाला है, और 1 चम्मच के बराबर हमने जीरा भी डालना है। वैसे आपके पास पिसा गरम मसाला है वो भी डाल सकते हैं, सूखा धनिया पिसा हुआ है वो भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं मसाला जो हमारी ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी बड़ी मज़ेदार तैयार हो चुकी है। और ये जो हमारा थोड़ा सा ये पकोड़ों में हमने मसाला डाला था ना जो करेलों में, उसके थोड़ा सा मसाला बचा था, और उसके मैंने पकोड़े बना दिए, और वो इसी मसाले में ऐड कर रही हूँ। क्योंकि ये मसाले के साथ खाए जाएंगे, और मसाले के साथ जो है ना वो बहुत मज़े के होते हैं, और साथ ही हम जो है ना इसमें करेले डाल कर दम लगा देंगे। ये देखिए ये बड़ी अच्छी ग्रेवी बन गई है। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारे ये फ्राई किए थे ये हम आराम से इसमें डाल देंगे। दाल का हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, मिक्स करके भी करेलों के ऊपर भी सारा अच्छी तरह मसाला लग जाए। और फिर कम से कम इसको 2-3 मिनट आपने ढक्कन इसका बंद कर देना है, दम पे रख देना है, और वो बहुत मज़े के मसाला उन करेलों को भी लग जाएगा जो ग्रेवी आ रही है।
ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स करके अब इसमें ढक्कन हमने दे देना 2-3 मिनट के लिए। मैंने हमारे दम पे रखे हुए हैं और ये साथ हम जो हरी मिर्च काटने लगे बारीक बारीक, और ये भी डालनी, इसके बीज हमने निकाल लेने भी ज्यादा स्पाइसी सालन हमारा ना हो, क्योंकि हमने मसाले वगैरह डाले हुए भी हैं। तो अब ये देखे मिर्च हमने काट लेने, इस तरह हमने बोल रहा कह रहा मीटू इसको पता करेले बन रहे हैं। हाँ जी बच्चा बोल दिया इस तरह की शेप में काटना है क्योंकि ज्यादा नहीं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से करेले हमारे बिल्कुल तैयार है। ये देख सकते हैं जो हमने मिर्चे काटी वो इस तरह हमने डाल देने इसके ऊपर, करेले हमारे बिल्कुल बन के तैयार हो। चलें ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बन चुके हैं। और ये जो आपने ये हमारा ये दूसरा पार्ट है ये आपने लाजमी देखना है, पूरा देखना है। और जो पहला पार्ट है उसमें हमने पूरा इसके भरने का काटने का धोने का सारा वीडियो डाले। तो इंशाल्लाह आप जरूर देखें और आज के लिए अलविदा।